हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौरभ एंड यू वाचिंग सौरभ्स ब्लॉग्स। एंड गाइस, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू 2021 यामा R15 V4.0 एंड ये जो है ब्लू कलर है, रेसिंग ब्लू कलर। तो आज इस बाइक का प्राइस बताऊंगा, ये आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा विथ प्रूफ, विदाउट इनकम प्रूफ के साथ, ये पूरा डिटेल्स फिनेंस स्कीम जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिनिमम डाउन पेमेंट एंड लगभग 50,000 डाउन पेमेंट, मतलब लगभग 1 लाख डाउन पेमेंट पे आपका मंथली कितना ईएमआई आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। पूरा फिनेंस स्कीम, पूरा ईएमआई जो है एकदम डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इसको ईएमआई पे या फिर फाइनेंस पे लेने के लिए। तो स्पेशल थैंक्स टू यामा तनुष्का ऑटो। आप अगर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो, आपको अगर यामा का कोई भी बाइक लेना है तो ज़रूर आप यामा तनुष्का ऑटो में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जरूर ऑफिशियल टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाइक का टेस्ट राइड भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते वीडियो। सो गाइस, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू 2021 यामा R15 V4.0 एंड इस बाइक का फर्स्ट आपको जो फिनेंस स्कीम बताऊँगा वो है विथ इनकम प्रूफ के साथ। इनकम प्रूफ आप अगर देते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 7,467 रुपीस डाउन पेमेंट से इस बाइक को आप ले सकते हैं। ओनली 7.5 के, मतलब 7,500 रुपीस आप अगर डाउन पेमेंट करते तो इस बाइक को आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका जो सैलरी स्लिप है वो आपको देना पड़ेगा। 7.5 के आप अगर डाउन पेमेंट करते, आपका मंथली जो ईएमआई आएगा मैं बता दे रहा हूँ 6,446 रुपीस करके आपको 4 साल के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है। ये जो है अप्रॉक्स अमाउंट बता रहा हूँ आपको, 6,446 रुपीस करके आपको 48 महीना के लिए पे करना पड़ सकता है। एंड ये जो है 4 साल के लिए हो गया। एंड आप अगर 3 साल के लिए जाएंगे तो 7,900 रुपीस करके अप्रॉक्स आपको 3 साल के लिए हर महीना पे करना पड़ेगा। आप अगर विदाउट इनकम प्रूफ की अगर बात करें तो विदाउट इनकम प्रूफ, मतलब जो हर बंदा ले सकता है विदाउट इनकम प्रूफ के साथ, उसका अगर बात करें तो 60,400 रुपीस आपको एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 60,400 रुपीस आप अगर डाउन पेमेंट करते तो विदाउट इनकम प्रूफ इस बाइक को आप ले सकते हैं। का मंथली जो ईएमआई आएगा 4,500 करके आपको 48 महीना के लिए पे करना पड़ेगा। एंड आप अगर 36 महीना के लिए जाएंगे, मतलब 3 साल के लिए आप अगर जाएंगे तो 5,500 करके आपको हर महीना पे करना पड़ सकता है। ये जो है विदाउट इनकम प्रूफ 48 महीना के लिए 4.5K एंड 36 महीना के लिए 5.5K। आप अगर 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, 1 लाख डाउन पेमेंट से आपको जो मंथली ईएमआई आएगा 5,600 रुपीस, आपको 2 साल के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है। 24 महीना के लिए 5,600 करके आपको पे करना पड़ेगा। एंड आप अगर 3 साल के लिए जाएंगे तो 4,068 रुपीस करके अप्रॉक्स आपको 3 साल के लिए पे करना पड़ सकता है। एंड इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लाएगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट एंड 2 कॉपी फ़ोटो एंड 2 कैंसिल चेक। बाकी आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए और भी आपको अगर फिनेंस स्कीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तनुष्का यामा ऑटो का कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। आप अगर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो तो तभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री प्राइस वेरी करता है, टैक्स अलग होता है, आरटीओ चार्जेस अलग होता है, इसलिए प्राइस भी डिफरेंस होता है। तो आप अगर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो तो आप ज़रूर तनुष्का यामा ऑटो में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस बाइक का अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें, एक शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो 1,73,600 रुपीज़ अप्रॉक्स इसका एक शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ 2,05,000 के आसपास इसका अप्रॉक्स प्राइस ऑन रोड प्राइस आ रहा है। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप ज़रूर आपका नियरेस्ट यामा शोरूम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इसका तो ऑलरेडी मैं वॉक अराउंड बना चुका हूँ, वो वॉक अराउंड आप अगर नहीं देखे तो आई बटन में लिंक आ रहा है, जरूर चेकआउट करना। तो गाइस, बस आज का वीडियो जो था सिर्फ फिनेंस स्कीम के ऊपर ही था, इतना ही वीडियो था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ये बाइक कौन कौन लेना चाह रहे हैं जरूर नीचे कमेंट करके बताना। एंड आप लोग अगर मेरे को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का आईडी भी दिया रहेगा, आप जरूर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। और भी ज़्यादा इस बाइक को रिलेटेड या फिर कोई भी बाइक रिलेटेड आप क्वेश्चन मेरे को वहाँ पर कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो के साथ। एंड R15 के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो आने वाला है,
तो स्टे ट्यून, डिटेल से डिटेल वीडियो मैं R15 के ऊपर बनाऊंगा। बहुत जल्द R15M का भी वीडियो आने वाला है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल करके रखें। जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गाइस बाय।